बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त आज की खबरें हैं, वीडियो के एंड तक देखें। टिकट्स के रेट बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जनाब से फ़ाइन जो है वो माफ़ करने का ऐलान कर दिया। वीडियो के एंड तक देखें चैनल को। जो बुरी खबर ये है कि जनाब दुबई में बल्कि पूरे यूएई में दो तीन दिन से जलजिले के झटके दरा महसूस हो रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे, बड़े लोग परेशान भी हुए जिनको ये महसूस हुआ, कईयों को पता भी नहीं चला। तो इसके ईरान में जो है बहुत ज़्यादा इसके झटके महसूस हुए, लेकिन इसके जो असरात थे दुबई के और शारजा, अजबार, रैसल खैबा, लायद, अबू धाबी, तमाम रियासतों में झटके भी महसूस किए गए। इसके बाद आपको बताते चले कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए सालिया पैदा की है कि अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो उस पर मज़ीद जो है वो आपको एयरपोर्ट पे पाकिस्तान इंडिया को अब उन्होंने बताया कि असालिया पैदा करेंगे उनको वीज़ों की सूरतों में, उनको दुबई के अंदर एड्रेस की सूरत में। इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। और शारजा और अजबार ने जो है 50% रियायत करने का, डिस्काउंट करने का फ़ैसला किया। अगर आप ट्रैफिक फ़ाइन अगर पे करते हैं तो आपको 50% शारजा में और अजमान में रियायत की जाएगी। अबू धाबी में अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाना जानना चाहते हैं तो हम जुम्मे को बंद होता था, अब उन्होंने जुम्मे और हफ्ते को भी ओपन करने का ऐलान कर दिया है। जुम्मा हफ्ता जो ओपन रहेगा वो 2 बजे से लेके और जो है वो रात 8 बजे तक आप इसको से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा अजमान ने जो है ट्रैफिक जितने भी आपके पे जुर्माने हुए ट्रैफिक कार ट्रैफिक के, रोड ट्रैफिक के, तो आपको 50% उसमें जो आपको रियायत की जाएगी। अजमान ने जो है 40 दिन के लिए ऑफ़र निकाली है, 40 दिन की अगर आप जमा करवाते हो तो 50% रियायत की जाएगी। शारजा ने जनाब 21 नवंबर से लेके और 1 जनवरी तक आपको ये ऑफर दिया है कि आप अगर अपने ट्रैफिक के फ़ाइन पे करते हैं तो आपको 50% रियायत की जाएगी। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो। लोग अजमान में रहते हैं या फिर आप लोग शारजा में रहते हैं तो दोनों सूरतों में आपका इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इन दोनों रियासतों में आपके ऊपर अगर किसी एक रियासत पर अगर कोई जुर्माना हुआ है कार का, ट्रैफिक का, किसी भी कानून का, तो आप जो है अभी फौरी तौर पे अगर आप जमा करवाते हैं, अजमान वालों ने 40 दिन के लिए छूट दी है गोल्डन डेज़ की वजह से, 50% आपको डिस्काउंट किया जाएगा जितना भी जुर्माना हुआ है। और ये अजमान ने जो है 40 दिन तक ये शुरू किया है, अब से अब 40 दिन तक अपने डिस्काउंट करवा सकते हैं। फिर शारजा ने जो है वो ऐलान किया है कि आप 21 नवम्बर से ले कर और 1 जनवरी तक जो है आप अगर आप जुर्माना पे करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट किया जाएगा। आपके ऊपर अगर ट्रैफिक जुर्माना है, आपके ऊपर कोई भी लाइसेंस का ब्लैक पॉइंट है, जो कुछ भी आप उस पर अगर पे करते हैं तो 50% आपके तमाम जुर्मानों पे 50% रियायत की जाएगी। तो दुबई हुकूमत ने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है क्योंकि दुबई में बहुत सी कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ और बहुत से जो ऐसे हैं जिनको 2-2 महीने 3-3 महीने की सैलरी नहीं देते। अब दुबई हुकूमत ने कहा अगर कोई आपको सैलरी नहीं देता तो आप फौरी तौर पे उनकी शिकायत करें तो उनको 1000 दिरम कंपनी को जो है जुर्माना किया जाएगा और आपका जो नाम है वो कंपनी को पता भी नहीं चलने देंगे कि आपने उनकी शिकायत की है, ताकि आपकी नौकरी बची रहे। तो अगर कंपनी आपको निकाल देती है और दूसरी जो है वो कंप्लेनें ये भी हैं निकाल देती है, तो कंपनी इस बात पे जो है वो लाजिम है उसके ऊपर कि वो टिकट्स वापसी की टिकट भी आपको दे, किराया भी दे, हर चीज़ आपको क्लियर करे। अगर नहीं करती तो दोनों सूरतों पे उनको आप उनकी शिकायत करें, उनको जुर्माना होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर थी और लोग हिम्मत करें, उस पर जो है ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचता है। तो अगर नहीं दे रहे तो आप उसकी शिकायत ज़रूर करें। चंद लोगों के ऊपर जुर्माने हुए में उनकी रहाइश अगर उनकी रहाइश शारजा में है और आपके पास ट्रैफिक के मुख्तलिफ़ किस्म के जुर्माने में, शारजा हुकूमत ने आज अभी थोड़ी देर पहले बड़ा ऐलान कर दिया। शारजा हुकूमत ने कहा है कि अगर आपके ऊपर किसी किस्म के कोई जुर्माने हैं खसूसन ट्रैफिक के वाले से, कोई लाइसेंस में ब्लैक पॉइंट है, तो आप लोग 21 नवम्बर से ले कर और 1 जनवरी तक अगर आप पे करते हैं तो आपको जो है 50% तमाम जुर्मानों में आपको रियायत की जाएगी। ये जो ऑफ़र है शारजा हुकूमत ने तकरीबन 2 माह तक इसको निकाली है, ये तकरीबन
दो माह के करीब करीब बनती है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाए, अगर आपके पास कोई जुर्माने है तो 21 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी तक जो है आप इसको पे करके अपने 50% डिस्काउंट करवा सकते हैं। ये गोल्डन जुबली जो उनका डे है वहाँ पे उसकी खुशी पे किया रखे। आपको बताऊंगा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से दुबई के यूएई के टिकट्स के रेट क्या चल रहे हैं, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। और आपको बताते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद से दुबई का बताते हैं। 20 नवंबर की टिकट है, फ्लाइट दुबई की है, टिकट का रेट है $283 की है, इसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इस्लामाबाद से दुबई की है कतर एयर लाइन और $384 की, $384 की है, 20 नवंबर की है। फिर 20 नवंबर की है इस्लामाबाद से दुबई की PIA और इसका टिकट का रेट लिखा ही नहीं हुआ। फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि लाहौर से दुबई का टिकट का रेट है PIA का $406 की है, 20 नवंबर की। फिर आपको बता दें लाहौर से दुबई की कतर एयरलाइन $470 की है और 20 नवंबर की टिकट है। फिर लाहौर से दुबई की है टर्किश एयरलाइन है $509 की है। अब आपको कराची का बताते हैं रेट के, कराची में वैसे रेट कम होते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। कराची से दुबई की है एमरेट से इतिहाद एयरलाइन $200 की तकरीबन टिकट्स है और ये भी 20 नवंबर की। कराची से जो है शारजा की है $224 की, 20 नवंबर की। फिर कराची से दुबई की है $237 की PIA 20 नवंबर की। तो ये तो आज के टिकट्स के रेट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।